दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर 22 अक्टूबर 2023 को एयर एशिया हवाई जहाज के भ्रष्टाधिकारी की शरण में दिल्ली से केरल जाने वाले 16 लोगों को नुकसान हो गया है। ₹32,000। दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से केरल जाने वाली फ्लाइट में 16 लोग 22 अक्टूबर 2023 को रविवार दोपहर 2 बजे टर्मिनल 3 में पहुंच गए। पैसेंजर ने पहले ऑनलाइन में बोर्डिंग पास लिया था। एयर एशिया हवाई जहाज का निर्धारित समय 3 बजे था, लेकिन सिक्योरिटी चेकिंग पर उन लोगों को आगे जाने नहीं दिया। एयर एशिया अधिकारी लोगों ने बताया पैसेंजर लेट आए, इसी वजह से रोक दिया है। पैसेंजर लोगों ने बताया हम बिल्कुल 2 बजे एयरपोर्ट में पहुंच गया था, हमारे साथ बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, फिर भी एयर एशिया अधिकारी लोग कोई मदद नहीं दिया। एयर एशिया लोगों ने दोबारा ₹32,000 लेकर के 23 तारीख को सुबह मॉर्निंग फ्लाइट में 16 लोगों को बैठाया। एयर एशिया कंपनी वालों ने अपनी गलती छुपाने के लिए पैसेंजर का बोर्डिंग पास में 2:30 बजे का टाइम लिख करके गलती सारा पैसेंजर के ऊपर डाल दिया। पैसेंजर लोगों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम ये, लेकिन एयर एशिया कंपनी वालों ने इस टाइम लाभ उठाया। मानव अधिकार सेना मीडिया को कंप्लेंट दर्ज करने के बाद मीडिया का पूछताछ में पहले एयर एशिया हवाई जहाज यात्रा किया है। पैसेंजर लोगों ने बताया ये कंपनी वाला लूटने वाले टाइम पर पैसेंजर आया है तो भी लोगों को लेट करके टिकट कैंसिल कर देते हैं। एयर एशिया हवाई जहाज कंपनी के ऊपर केस फाइल करके जो भी पैसेंजर को नाश्ता और परेशानी हुई, काम का और पैसे का नुकसान हुआ, उसका केस फाइल कर दिया। साथ में माननीय भारत की प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय हवाई जहाज मिनिस्टर को भी कंप्लेंट दर्ज किया। अपनी और डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जेब भरने के लिए एयर एशिया हवाई जहाज कंपनी वाले कुछ भी कर सकते हैं। आजकल एयर एशिया के हवाई जहाज में बैठने वाले यात्री यह याद रखना, आज जो परेशानी इनको हुई वो कल आप लोगों को भी हो सकती है, इसलिए इसी कंपनी का प्लेटों में ध्यान से बैठना।